आपको मालूम है गीता में भगवान ने बोला है निमित्त मात्रम भव सवसाचिन, तू सिर्फ निमित्त था। ऐसा मत मान कि दुर्योधन मरेगा नहीं, ऐसा मत मान कि द्रोण मरेगा नहीं, ऐसा मत मान कि भीष्म मरेगा नहीं, तू नहीं होगा तो ये लोग मरेंगे, क्योंकि वो काल में लिखा हुआ है। बाकी लोग करोड़पति नहीं होंगे, वो भी बनेंगे, मगर तू निमित्त था, इसके लिए भगवान ने तुझे भेजा है। दिनेश गढ़वी सर की एक बात आज मुझे टच कर गई। एक बच्ची के ऑपरेशन के लिए 1 करोड़ रुपए वो जुटाएंगे 1 साल में। दिस इज द लाइफ, दिस इज द पर्पस। आहार, निंद्रा, भय और मैथुन, इनमें मैं और पशु एक ही है। तो हम जीते हैं किसके लिए? पर्पस। अपने लाइफ में जब तक पर्पस नहीं होगा आप बड़े नहीं बन सकते। पहला पर्पस तो अपने स्वार्थ के लिए लगाओ, अपने फैमिली के लगाओ। मैं मेरे परिवार को ऋण मुक्त करूंगा, मतलब एक भी पैसे की लोन मेरे सर के ऊपर नहीं होगी पहले 3 महीने में ये ऑर्डर के साथ। यस। जब तक लोन आपके ऊपर चिपकी रहेगी आप मिडिल इनकम ग्रुप का टैग अपने सर से फेंक नहीं पाएंगे। क्या था मेरे पास? 16 रुपए 33 पैसा है, वो था प्यून इन ऑक्टर पंचायत। 20 पैसे के रेवेन्यू स्टैम्प पे साइन करता था और 16 रुपए 33 पैसा जाके ले आता था। आज 52 कंट्री में घुमा हूं और 52 बार अचीवमेंट के ऊपर गया। आपकी जो वीकनेस है उसको आपकी ताकत बनाओ। मुझे भी कभी कभी खुदकुशी का ख्याल आया था, ट्रेन में कूद के मरूं। अब लोहा इतना भारी होता है, इतना बड़ा इंजन, कितना वजन होगा, डर गया। ट्रेन भी लेट होती है और भूख लगी तो क्या, डर गया। फिर दूसरों के लिए जियो, मुझे किसी ने सिखाया था। मैं बोला मैं जंगल में जाऊं, कम से कम किसी के पेट का भोजन तो बनू। वहां गया, शेर मिला, वो भी मुझे हंसने लगा, क्या खाए। तो वो बात मुझे याद आई कि तेरी वीकनेस को तेरी स्ट्रेंथ बना, और वीकनेस को मैंने मेरी स्ट्रेंथ बनाया, आगे चल। यस। मैं कहीं